तो दोस्तों आ गया है मध्य प्रदेश का सबसे सटीक सर्वे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, कांग्रेस की या फिर भाजपा की। 145 सीट आखिर किसे मिल रहा है, किसे मिल रही है 85 सीटें। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर सबसे सटीक सर्वे आ गया है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार ने तगड़ा सर्वे दे दिया है और बताएंगे इस सर्वे में आखिर किस जिले में किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। आपको बता दें हम भिंड, मुरैना, सोनपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर एक एक सीटों के बारे में हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और जो सट्टा बाजार ने सर्वे दिया है उसके बाद से कैसे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं वो आपको हम जानेंगे और विद प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए विस्तार से हम जान लेते हैं आखिर किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। दोस्तों चुनाव सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले भिंड जिले की, तो भिंड जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 2 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में जा रही हैं जबकि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही हैं। सट्टा बाजार का यह सर्वे हम आपको बता रहे हैं। मुरैना में 6 सीटें हैं जबकि भाजपा के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। श्योपुर में 2 विधानसभा सीटें हैं जिनमें दोनों कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही हैं। ग्वालियर में 6 सीटें हैं जिनमें 3 सीटें भाजपा जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही। दतिया में 3 सीटें हैं जबकि तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में। शिवपुरी में जो है वो दोस्तों 5 सीटें हैं जिनमें 4 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीटें भाजपा के खाते में। गुना में 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 के चारों कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अशोकनगर में 3 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 2 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है अशोकनगर में। सागर की बात करें यहाँ 8 विधानसभा टोटल सीटें हैं जबकि इनमें 6 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होने जा रहा है जबकि महज 2 सीटों पे सिमट रही है बीजेपी। तो ये 8 समीकरण है। टीकमगढ़ की बात करें तो 4 सीटें हैं टीकमगढ़ जिले में, 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 कांग्रेस, 2 भाजपा, यानी यहाँ पे टक्कर कांटे कांटे की दो की लड़ाई है। निमाड़ी 1 सीटें हैं, 1 सीटें भाजपा के खाते में। छतरपुर में 6 सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं जबकि महज 1 सीटें बीजेपी। दमोह में अगर बात करें तो 4 सीटें हैं, 2 भाजपा, 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम पन्ना जिले की बात करें तो यहाँ 1 सीटें भाजपा, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। सतना की बात करें दोस्तों 7 सीटों में 5 सीटें फिलहाल भाजपा के खाते में जा रही हैं जबकि 2 सीटें कांग्रेस की। और अगर हम रीवा की बात करें तो यहाँ रीवा में 6 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में जा रही हैं जबकि 2 सीटें कांग्रेस के। अनूपनगर की बात करें तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। सीधी की बात करें तो महज 1 सीटें, जी हाँ महज 1 सीटें बीजेपी जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खातों में जाती दिखाई दे रही है। ये सट्टा बाजार का सटीक सर्वे। उमरिया जिले की बात करें तो यहाँ 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही जबकि भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस 2। कटनी में 4 सीटें हैं, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही जबकि महज 1 सीटें जो है वो कांग्रेस बीजेपी के पाले में जा रही हैं। जबलपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं, 5 सीटों पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, 5 सीटों पर। जबलपुर में 5 सीट कांग्रेस, 3 सीट महज भाजपा। डिडोरी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों में 2 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। मंडला में 3 सीटें हैं तो मंडला में 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जबकि महज 1 सीटें कांग्रेस को। बालाघाट में 6 सीटें हैं तो इसमें से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जबकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में। सिवनी में अगर बात करें तो 4 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 4 ही सीटें हैं। नरसिंहपुर की बात करें तो 4 सीटें हैं विधानसभा की, चारों कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। छिंदवाड़ा में दोस्तों 7 सीटें हैं जहां की 4 सीटें जो हैं वो भाजपा के, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में, 3 सीटें ही महज भाजपा के खातों में। बैतूलू में 5 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर जो है वो बीजेपी, 2 पर कांग्रेस जीती दिखाई दे रही है। हरदा हम चलते हैं, हरदा में 2 सीटें हैं जो दोनों कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। होशंगाबाद में 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। रायसेन की बात करें तो 4 सीटें हैं और 4 सीटों में 2-2 वो डिवाइड हैं, यानी 2 भाजपा, 2 कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। विदिशा जिले की बात करें तो यहाँ ओवरऑल 5 विधानसभा सीटें हैं और जिनमें 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जबकि 2 सीटों पर ही महज भाजपा जीतती दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें रायसेन की हो गई, अब हम बात करें विदिशा की, तो विदिशा में 5 सीटें हैं जिनमें 2 सीटें भाजपा, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। भोपाल की बात करें तो यहाँ 7 सीटें हैं, यहाँ पे 4 सीटें कांग्रेस, 3 सीटें भाजपा में जा रही हैं। भोपाल, जी हाँ, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी, राजधानी में भाजपा की हालत खस्ता हाल है।
सीहोर की बात करें तो यहाँ चार सीटें, और चार सीटों में चार सीटें कांग्रेस के खाते में। राजगढ़ में जो है वो पांच सीटें हैं, जहाँ पर एक सीटें बीजेपी जबकि चार सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। आगरा मालवा में दो सीटें हैं और दो सीटों में डिवाइड है, एक एक सीटें दोनों सीटों दोनों पार्टियों को मिल रही हैं। देवास में दोस्तों पाँच सीटें हैं, जहाँ तीन सीटें बीजेपी दो सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। ये तो देवास हो गया। खड़वा की बात करें तो चार विधानसभा सीटें हैं और दो सीटें बीजेपी दो सीटें कांग्रेस। बुरहानपुर की बात करें तो दो विधानसभा सीटें हैं जिनमें दोनों कांग्रेस के खाते में जा रही है। और बड़वाली में भी चार विधानसभा सीटें हैं जहां पे दोनों दोनों डिवाइड हैं। अलीराजपुर में दो सीटें हैं विधानसभा की, दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। झबुआ में तीन सीटें हैं और तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। धार में सात सीटें हैं, सात में तीन सीटों पर कांग्रेस का कब्जा जबकि चार सीटें बीजेपी के खातों में। इंदौर में नौ सीटें हैं, छह सीटों पर जो है वो बीजेपी का कब्जा, तीन सीटों पे कांग्रेस। उज्जैन में सात सीटें हैं जबकि दो सीटों बीजेपी के खाते में महज, और पांच सीटें कांग्रेस के खाते में। रतलाम में पांच सीटें और रतलाम में पांच के पांचों इस समय वर्तमान में दोस्तों कांग्रेस में जा रहे हैं। मंदसौर में चार सीटें हैं जहाँ पर एक सीट में भाजपा, तीन सीटों पर जो है वो कांग्रेस पन जा रहा है। नीमच में तीन सीटों और तीनों सीटों पर कांग्रेस की प्रचंड वापसी हो रही है। तो ये जिलेवार आंकड़े थे। अब अगर ओवरऑल की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 85 सीट मिले हैं जबकि कांग्रेस पार्टी 145 सीट। जी हाँ, ओवरऑल 145 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 145 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत, ये सट्टा बाजार का सर्वे है। बताए आपको बता दें, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार प्रमुख दल टिकटों के वितरण को काफ़ी चिंतन मनन कर रहे हैं ताकि उनके द्वारा उतारा गया प्रत्याशी जीत सके, लेकिन हार सुनिश्चित है बीजेपी चाहे जिसको उतार दे। यहाँ पर आपको बता दें हार सुनिश्चित है और हारती दिखाई दे रही है पार्टी। एक एक गुणागणित लगाया जा रहा है, लिस्ट जारी कर दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसे आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना ना भूलें। जो ये सर्वे निकल के आया है, ये सर्वे सट्टा बाजार का सर्वे है और इस सर्वे से जो है वो पूरी की पूरी भाजपा एंड कंपनी वर्तमान समय में हील गई है। जी हाँ दोस्तों, हील गई है और यही सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को अब तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल इस सर्वे को आप कैसे देखते हैं भारतीय? अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो या फिर AIM, इन दोनों पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि जो अन्य हैं जो कि निर्दलीय हैं, निर्दलियों के खाते में भी कोई सीटें जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए, निर्दलीय तब जीतते हैं जब कांग्रेस की पकड़ ढीली होती है। इसका एक साफ संकेत है कि इस बार कांग्रेस की पकड़ इतनी मजबूत है कि न केवल विपक्ष में, खास करके न केवल AIM और छोटी छोटी अन्य दलों के वोट समेट लिया है कांग्रेस ने, बल्कि बीजेपी को भी 440 वोल्ट का झटका दिया, यानी बीजेपी के ही वोटरों को पूरी तरीके से अपने पाले में कर दिया। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा तो सुझाव दें, आपके हिसाब से कांग्रेस को बीजेपी से कितनी सीटें मिलती दिखाई दे और आप किस जिले से हैं, आप अपने जिले और विधानसभा के बारे में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।